क्या कोई पुलिस वाला लाठी को बांसुरी बना सकता है? ये सवाल आपके लिए चौंकाने वाला हो सकता है, लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसा ही वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में पुलिस वाला सड़क किनारे लाठी से धुन निकालता दिख रहा है। अब इसकी सच्चाई क्या है, हमने उसकी पड़ताल की, क्या सामने आया जरा देखिए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही वीडियो में आपने देखा, दो पुलिस वाले ड्रेस पहने हुए हैं। इसमें एक पुलिस वाला बाइक के साथ खड़ा है, जबकि दूसरा लाठी को बांसुरी बनाकर धुन निकाल रहा है। शुरुआत में कैमरा दोनों पुलिस वालों पर रहता है, मगर 40वें सेकंड पर एक कार नजर आती है। ये कार पुलिस की है, जो बताती है कि इस वीडियो को ड्यूटी के दौरान बनाया गया है। कैमरा जगह बदलता रहता है, मगर लाठी से धुन निकलना बंद नहीं होती। वीडियो के आखिर में बांसुरी बजा रहे पुलिस वाले से दूसरा पुलिस वाला हाथ मिलाता है और चल देता है। 2 मिनट 21 सेकंड के इस वीडियो के साथ एक मैसेज भी वायरल किया जा रहा है। इस मैसेज में लिखा है, कमाल का है ये पुलिस वाला, ड्यूटी पर लाठी को बांसुरी बनाकर बोरियत को बाय बाय। इस वायरल हो रहे पुलिस वाले की सोशल मीडिया पर किस तरह तारीफ की जा रही है, जरा आप वो भी देख लीजिए। सवाल है कि क्या वाकई पुलिस वाले ने बांसुरी के तौर पर लाठी का इस्तेमाल किया? क्या ड्यूटी के दरमियान पुलिस वाले ने बांसुरी बजाकर बोरियत दूर की? क्या बांसुरी बजाने वाला शख्स पुलिस वाला ही है? और अगर ये पुलिस वाला है तो कहां का है? वायरल हो रहे वीडियो में साफ देखा जा सकता है, दोनों खाकी रंग की जो ड्रेस पहने हैं उस पर नेम प्लेट है। इसके अलावा कार और बाइक ठीक वैसी ही है जैसे पुलिस वाले इस्तेमाल करते हैं, लिहाजा हमने सच जानने के लिए पड़ताल करने का फैसला किया। इस वायरल वीडियो में दिख रहा कार और बाइक का नंबर कर्नाटक का है, जिससे ये साफ हो जाता है कि वायरल वीडियो आया तो दक्षिण भारत से है, लेकिन कर्नाटक में कहां से है ये अभी तक साफ नहीं हो पाया। हालांकि हमारी पड़ताल में इस पुलिस वाले का एक और वायरल वीडियो सामने आ गया है। इस वीडियो में वही ड्रेस है, वही पुलिस वाला है और उसी तरह से लाठी के जरिए बांसुरी बजाई जा रही है, बस बदल गई है तो जगह, और पुलिस वाले ने इसमें सिर पर टोपी पहन रखी है। इस वीडियो के अलावा एक तस्वीर भी हमें मिली, जिसमें पुलिस वाला एक अधिकारी के साथ नजर आ रहा है। इस तस्वीर को दूसरे यूजर ने शेयर करते हुए पुलिस वाले का नाम और जगह भी बताई है। हमारी पड़ताल में ये तो साफ हो गया कि बांसुरी बजाने वाला ये शख्स पुलिस वाला है, जो हुबली का रहने वाला है, लेकिन क्या ये अपनी ड्यूटी के दौरान भी बांसुरी बजाता था? इस सवाल का जवाब अभी मिलना बाकी था। तस्वीर में दिखने वाले पुलिस अधिकारी के बारे में हमने जांच पड़ताल की तो पता चला कि ये IPS भास्कर राव है, और इन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर हेड कांस्टेबल चंद्रकांत का एक वीडियो भी अपलोड किया है। अब हमें तलाश थी चंद्रकांत की, और वो भी जल्द पूरी हो गई। हेड कांस्टेबल चंद्रकांत हुबली के पुलिस थाने में तैनात मिले। यहां उनके हाथ में वही लाठी थी, संदेह दूर हो इसके लिए चंद्रकांत ने लाठी को बांसुरी की तरह बजाकर भी दिखाया, और ये भी बताया कि उन्हें यह अनूठा प्रयोग कैसे सूझा और इसका प्रयोग उन्होंने कब किया। जहाँ मिनिस्टर का VIP का बंदोबस्त होता है तो 5-5 आवर्स पहले ही बुलाते हैं हम लोगों को, तो हमको परेशान हो जाता है। 5-5 आवर्स टाइम वेस्ट करके वो सब क्या परेशान बहुत होते हैं हमको, टेंशन का ड्यूटी है बहुत टेंशन का। फिर मुझे तो घर में बांसुरी प्रैक्टिस करने के लिए टाइम भी नहीं मिलता, तो मैं सोचा मेरे पास तो ये फाइबर लाठी है ना, तो इसमें कुछ तो करना है यार मुझे, तो उसी दिन मैं डिसाइड किया कि उसको होल करके ट्राई करते हैं एक बार, तो होल करके ट्राई किया तो उसमें सुर निकल दिया। पूछताछ के दरमियान ये भी पता चला कि चंद्रकांत साल 2007 से ऐसा कर रहे हैं। इनकी बेटी गायक है, जिसके साथ कई कार्यक्रम में ये परफॉर्म भी कर चुके हैं। हमारे पड़ताल में वायरल हो रहा वीडियो और उसे लेकर किया जा रहा दावा पूरी तरह सच्चा साबित हुआ। टीम न्यूज़ नेशन।